भागवत आप देख रहे हैं प्रेस्टीज मीडिया। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों से। देश में सामने आए कोविड 19 के 16,156 नए मामले, कल से 20% अधिक। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड 19 के 16,156 मामले सामने आए हैं, जो कल से 20% अधिक हैं। वहीं संक्रमण में 733 नई मौतें दर्ज होने के बाद कुल मृतकों की संख्या 4,56,380 हो गई है। वहीं केरल द्वारा कोविड 19 संबंधी मौतों का पिछला आंकड़ा अपडेट करने के कारण बुधवार को राज्य में 622 मौतें दर्ज हुई। पाक क्रिकेट टीम की जीत का जश्न मनाने वालों के खिलाफ लगेगा देशद्रोह का कानून, बोले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जीत का जश्न मनाने वाले लोगों के खिलाफ देशद्रोह कानून लगाया जाएगा। गौरतलब है, यूपी पुलिस ने T20 विश्व कप मैच में भारत के खिलाफ पाकिस्तानी की जीत का जश्न मनाने के लिए 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। डाबर ने अपना करवा चौथ वाला एड सभी प्लेटफॉर्म से हटाया, कहा हम बिना शर्त माफी मांगते हैं। डाबर इंडिया ने अपने सभी प्लेटफॉर्म से फैम का करवा चौथ वाला विज्ञापन हटा लिया है और कहा हम लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए बिना शर्त माफी मांगते हैं। दरअसल विज्ञापन में महिला समलैंगिक जोड़े को करवा चौथ का त्यौहार मनाते हुए दिखाया गया है, जिसके बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कानूनी कार्रवाई की धमकी दी थी। चीन द्वारा भूमि सीमा कानून लाने के बाद भारत सरकार ने जारी किया अपना बयान। चीन के भूमि सीमा कानून पर भारत सरकार ने कहा है, चीन द्वारा लगाया गया यह कानून सीमा प्रबंधन पर मौजूदा व्यवस्थाओं को प्रभावित कर सकता है। यह एक तरफा फैसला चिंताजनक है, सरकार ने कहा। उम्मीद है कि चीन इस कानून की आड़ में ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जो भारत चीन सीमा क्षेत्रों की परिस्थितियों में बदलाव ला सकता है। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए प्रेस्टीज मीडिया के साथ।